आज मोशन टीम के बीच सम्मान पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बारे में कई दिनों से बात चल रही थी, लेकिन आज वो अल्टीमेटली आज वो सुनवाई आ गई। मुझे लगता है यहाँ 3 महीने से लोग बात कर रहे थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कोटा को चुना है जिसको शिक्षा की काशी कहा है, और मोशन है तो भरोसा है, ट्रस्ट एक चीज है जो कि बड़ी कॉमन है मोशन में और हमारी लाइन में मेडिकल फैकल्टी, वो है ट्रस्ट, भरोसा। जब रोगी का भरोसा डॉक्टर को होता है तो रोगी जल्दी ठीक हो जाता है, और इसी प्रकार से आप लोग जब भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करके, विश्वास करके कोटा की ओर आते हैं तो मंजिलें तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है। और आंखों के बारे में हम लोग आंखों का इलाज करते हैं, मेरे बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता सर उपस्थित हैं, जो कि हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, हमारे सीनियर हैं। डॉक्टर निपुण बागरेचर जो कि रेटिना विशेषज्ञ हैं, वो भी पिछले लगभग 12 साल से जुड़े हुए हैं, और पूरी टीम आप जिनसे रूबरू हो रहे हैं, सुमिले चिकित्सा की टीम, वो भी हमारे लिए एक जिस प्रकार से एक व्हीकल होता है उसमें पहिए होते हैं, हर मुझे की भूमिका होती है, तो हर स्टाफ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 10 वर्षों में मैंने 4 पुस्तकें लिखी, चारों पुस्तकें सबसे पहली पुस्तक है डॉक्टर्स, तो ये पुस्तक जो है ये अमेजोन पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दूसरी पुस्तक है ए हिप्पोक्रेटिक ओडिसी, लेसन्स फ्रॉम डॉक्टर कपल ऑन लाइफ इन मेडिसिन, चैलेंजेस इन डॉक्टरशिप। और तीसरी पुस्तक है एंटरप्रेन्योरशिप फॉर डॉक्टर्स, जो कि आपने ये भी अवेलेबल है। और चौथी और लेटेस्ट पुस्तक है जिंदगी, जो अभी अभी मुझे मिली है, एक आई सर्जन की डायरी है। और इस पुस्तक में जितना भी अनुभव लिखा है वो सब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए लिखा है। तो कारण क्या होता है कि जब हम कार्य करते थे तो कई बार लाइफ में क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ते थे बड़ा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था, बड़ा समझ नहीं आता था, कन्फ्यूजन होता था, तो ऐसी स्थिति में कई बार मिलना, गाइडेंस लेना संभव नहीं हो पाता है। पुस्तकें जो हैं उसके माध्यम से हम गाइडेंस ले सकते हैं, जो एक जर्नी को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की होता है कि जर्नी ऑफ स्टार्ट फ्रॉम सिंगल स्टेप, तो हर आदमी की जर्नी भी बड़ी स्थिति से उसके 17 साल से जब से छोटा आया हूँ तो जानता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा का मैंने इलाज किया है, हम लोगों ने इलाज किया यहाँ पे, और मैंने देखा है किस प्रकार से उन्होंने अपनी जर्नी को अंजाम दिया। उन्होंने बंधन साहब के साथ काम किया था, बंधन साहब से भी मुझे मिलने का मौका मिला, उनका ऑपरेशन करने का मौका मिला के साथ, वो भी मैंने स्टोरी इस बुक में लिखी है, किस प्रकार से उन्होंने बंधन सर के यहाँ काम किया और किस प्रकार से उन्होंने आज इस मुकाम को पहुँचाया। ये टीम वर्क है, एक लीडरशिप स्किल है। और ये सारे यानी कि टेम्पल ऑफ आई में बैठ रहे हैं, एक मंदिर है, और यहाँ पर जो दृष्टि बाटी तो वो रोशनी दी जाती है, ये हमारी पूजा है, दिस इज अवर वर्शिप, टू गिव द लाइट टू द ब्लाइंड पीपल और टू गिव द गिफ्ट ऑफ साइट, रोशनी का उपहार देना। और इस अवसर पर मैं 2 पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। जिस प्रकार से एक दीपक होता है, छोटा सा दीपक होता है, वो संकल्प लेता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों नहीं हो, हम उजाला 1 मीटर के दायरे में हम उजाला फैलाएंगे। दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। संकल्प एक नेत्र सर्जन का है, एक आई सर्जन का होता है, कि वो हर दिन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए रोशनी का उपहार अपने पास आने वाले अनेक रोगियों में बांटने की प्रयास करता है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने चिकित्सक बनने का, डॉक्टर बनने का सपना सजाया, उस सपने को पूरा करने के लिए आपने कोटा है, दिस शोज योर सिंसियरिटी, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे हमें इतना
हम लोग इतने खुश नसीब नहीं थे उस समय, इतने ट्रेनिंग के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आप लोग आए, आपने कोटा में आकर इस मुकाम को हासिल करने का पहला स्टेप दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और समूची मोशन टीम को, नितिन विजय सर को, आप सभी को, जो भी वर्मा साहब आए हैं, मैडम आई हैं, और जो भी मोशन की पूरी फैकल्टी हारा साहब हमारे, और जो निगम जी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, समूची मोशन टीम को बधाई। आइए हम आज आप सभी को इस प्रयास के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बधाई देते हुए